हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू वॉच दिस चैनल बेटा। आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। आई वांट टू टेल यू वन पॉइंट बेटा, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी लेक्चर देन यू कैन आस्क मी योर डाउट्स फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन। डाउट पूछोगे आपको सोल्यूशन मिलेगा उसका, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा बेटा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डाउट्स अपने लेते रहना, अगर आपको कोई डाउट आता है तो ओके, दिस इज योर ड्यूटी नाउ। तो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये डिस्कस करेंगे बेटा हम आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है बेटा? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करें जो विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, किसी का भी स्पेक्ट्रा ले सके, स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस के बारे में जो स्टडी करें, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो द स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम किसी भी सब्सटेंस का जो लिया जाता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रम इज टेकन इन द इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बेटा स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप में हम स्पेक्ट्रम लेते हैं ओके। तो कई बार मैं कहीं अगर वर्ड यूज करूं यहां पर स्पेक्ट्रोस्कोप, तो आप समझ आना इंस्ट्रूमेंट का टाइम है। स्पेक्ट्रोस्कोप जिसमें स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया जाता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, कोई भी स्पेक्ट्रम हम लेंगे किसी भी सब्सटेंस का ओके। नाउ तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम बेटा, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। नाउ टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं। स्पेक्ट्रा कितने टाइप्स के होते हैं अभी डिस्कस करेंगे बेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा बेटा। फर्स्ट इज एमिशन, एमिशन स्पेक्ट्रा बेटा, एंड सेकंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बेटा। टू टाइप्स के स्पेक्ट्रा होते हैं भाई, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। टू टाइप्स के स्पेक्ट्रा होते हैं बेटा। नाउ वी डिस्कस दिस वन बाय वन। फर्स्ट इज बेटा एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रा? नेम से पता चल रहा है एमिशन स्पेक्ट्रा बेटा। कोई भी लाइट सोर्स है, इफ इट अमिट रेडिएशंस एंड दीज रेडिएशंस आर पास थ्रू प्रिज्म एंड देन ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। प्रिज्म से पास करवा के डायरेक्टली ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व करें इनको, then the spectrum obtained is called emission spectrum beta। उस spectrum को हम क्या बोलेंगे बेटा? then the spectrum obtained is called emission spectra। देखिए क्या simple लिख रहा हूँ definition में। if the light emitted by, name से पता चल रहा है, light emitted by any light source, लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई सनलाइट है, सन बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइट सोर्स है बेटा। अनदर आप बेटा मर्क्यूरी लैंप ले सकते हैं बेटा, आप सोडियम लैंप ले सकते हैं, कोई भी लाइट सोर्स है। अंडरस्टैंड क्या पाई? इफ एनी लाइट सोर्स और इफ द लाइट एमिटेड बाय एनी लाइट सोर्स इज डायरेक्टली पास्ड थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म में से पास करवाए डायरेक्टली उसको, एंड देन ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन इज कॉल्ड बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एमिटेड लाइट, किसी भी लाइट सोर्स ने लाइट एमिट की, उसको हमने प्रिज्म से पास करवाया एंड देन ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम ओके। नाउ
emission spectrum, types of emission spectrometer further. Types of emission spectrometer. Types. But emission spectrum is further divided in two types. Emission spectrum is further divided in two types, beta. Iske sab types hai. First is continuous spectrum. Continuous spectrum, beta. And second is, beta, line spectrum. Line emission spectrum bol dein, ya fir line spectrum bhi bol sakte hain. Okay, the continuous spectrum and line spectrum. Two types ka hota hai emission spectrum, beta. So discuss these one by one. First of all, beta, what do you mean by continuous spectrum? Continuous spectrum kab aaya? Continuity mein different colors dikhai diye spectrum ke andar. Mean koi gap na ho unke andar. Ek color dusre color कलर के अंदर बिल्कुल मर्ज होकर दिखाई दे बेटा आपको. ओके, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं. और ऐसा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, व्हाइट लाइट के केस में. ओके, तो लाइट की जगह क्या आ जाएगा? व्हाइट लाइट. इफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूस बाय एनी लाइट सोर्स इज डायरेक्टली पास थ्रू प्रिज्म एंड ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, देन क्या होगा? देन बेटा जो डिफरेंट कलर्स होंगे कॉन्टिन्यूसली हमें दिखाई देंगे एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हुए. ओके, तो जो व्हाइट लाइट होगी इट स्प्लिट इनटू सेवन कलर्स विच आर कॉन्टिन्यूसली आपको दिखाई देंगे सच दैट ईच कलर मर्जेस इनटू नेक्स्ट. एक कलर दूसरे कलर के अंदर आपको मर्ज होता हुआ दिखाई देगा बेटा. जैसे कई बार आपने ध्यान दिया हो बारिश होती है आफ्टर रेन, हैवी रेन होने के बाद अगर एक बार धूप एकदम धूप निकल आए, देन व्हाट हैपन? दिस साइड सूर्य देवता है, उससे अपोजिट साइड में आप देखना बेटा आसमान में आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है, रेनबो. रेनबो को ध्यान से देखना, क्या सेवन कलर्स विच डिफरेंट कलर्स मर्ज इन टू इच अदर, एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हुए दिखाई देंगे आपको. मर्ज बिल्कुल कोई गैप नहीं होता, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं बिल्कुल कलर, कोई गैप नहीं होता. कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम सेवन कलर दिखाई देंगे आपको. कैसे? जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी प्रिज्म का काम करती हैं, सनलाइट व्हाइट लाइट होगी उसके अंदर से पास होगी, स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिट अप इन सेवन कलर्स, वो सेवन कलर्स आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर आसमान में. अंडरस्टैंड किया पॉइंट? ओके, तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा बेटा? इसी में मैं डेफिनेशन में मॉडिफाई यहीं पर मॉडिफिकेशन कर देता हूँ. कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बेटा फर्स्ट सब टाइप है इसकी, जो ए कॉन्टिन्यूअस, ये ए मान लिया हमने, दिस इज बी, इसको बी अज्यूम कर लेते हैं बेटा. कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा? इफ द व्हाइट लाइट, लाइट की जगह हम क्या कर देते हैं यहां पर? व्हाइट लाइट कर देते हैं, बस ये चेंज करेंगे. इफ द व्हाइट लाइट स्पेसिफिकली, ध्यान रखना इसको, एमिटेड बाय लाइट सोर्स इज डायरेक्टली पास थ्रू प्रिज्म एंड देन ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, क्या होगा? ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट बेटा, देन इट स्प्लिट अप इन सेवन कलर्स. देन ये देन यहां से कट कर देते हैं. व्हाइट लाइट है जो, व्हाइट लाइट सोर्स and observed on the photographic plate, then it splits up into seven colors. Splits up into seven colors, beta, which merges into each other. Or splits up in seven colors. In such a way that each color merge into the next. ऐसे color देता है, ऐसे कर देते हैं बेटा. In such a way that each color merges into the next. एक color next color में merge हो जाएगा बेटा. The spectrum thus obtained is called beta continuous spectrum. ऐसे spectrum को हम क्या बोलेंगे बेटा?
कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। देखो कैसे डायग्राम, क्या डायग्राम बनेगा इसका, डायग्राम की हेल्प से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी तक मैंने डायग्राम नहीं बनाया इसीलिए, अब बना देते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा बेटा। ना देखिए, सपोज दिस इज एन लाइट सोर्स, ये स्लिट ले लिया हमने, दिस इज स्लिट। स्लिट क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू प्रोड्यूस फाइन बीम, फाइन पोर होता है इसके अंदर, है ना, जैसे छोटी सी नीडल की नोक होती है, आगे इतना छेद कर दे इसके अंदर, बिल्कुल फाइन पोर, फाइन पोर इज देयर। ओके, लाइट, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस बाय द लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स है इट प्रोड्यूसेस व्हाइट लाइट बेटा, इन दिस वे व्हाइट लाइट, दिस इज व्हाइट लाइट प्रोड्यूस बाय एनी सोर्स, लाइट सोर्स बेटा, दिस इज स्लिट बेटा, स्लिट में से पास होगा, फाइन बीम इज प्रोड्यूस्ड, दिस फाइन बीम प्रोड्यूस होगी बेटा ये, दिस फाइन बीम इज प्रोड्यूस्ड, दिस व्हाइट लाइट बीम इज पास थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म में से पास करेंगे इसको, देन इट स्प्लिट अप इन सेवन क्लास, ये सेवन क्लास में स्प्लिट अप हो जाएगी बेटा, दिस व्हाइट लाइट है जो व्हाइट लाइट की बीम है बेटा, दिस व्हाइट लाइट बीम स्प्लिट अप इन सेवन क्लास, देखो कैसे, इन दिस वे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक हम बीच में दे लेते हैं यहाँ पर, दिस एंड ये सेवन होगा बेटा, दिस एंड दिस इज पोज फोटोग्राफिक प्लेट, दिस इज द फोटोग्राफिक प्लेट बेटा, दिस सेवन क्लास द व्हाइट लाइट थी, इट स्प्लिट अप इन सेवन क्लास, वी आई बी जी वाई ओ आर, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट, सेवन क्लास में डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये स्प्लिट अप हो जाएगी, सेवन क्लास में बना देता हूँ यहाँ पर, तो सेवन क्लास ऑब्टेन होंगे आपको, वी आई बी जी वाई ओ आर, वी आई बी जी वाई ओ आर, वी गो सेवन क्लास, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, दीज सेवन क्लास आर ऑब्टेंड, बट हाँ जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होगा यहाँ पर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में, यहाँ पर ये जो डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देंगे किस वजह से दिखाई देंगे, ईच कलर मर्ज इनटू द नेक्स्ट, एक कलर दूसरे कलर के अंदर मर्ज होगा, कोई गैप नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देंगे आपको बेटा, ईच कलर मर्ज इनटू द अनदर, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, दीज सेवन कलर्स वी आई बी जी वाई ओ आर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, सेवन सेवन कलर्स होते हैं बेटा व्हाइट लाइट, मतलब तो सेवन कलर्स में स्प्लिट अप हो जाएगी, तो ये जो स्पेक्ट्रम होगा दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड बेटा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, दिस इज प्रिज्म, ये प्रिज्म है बेटा। ओके, नाउ एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, यहाँ पर जो रेड कलर होता है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिस्कस किया था, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम, ड्यू टू मैक्सिमम वेवलेंथ बेटा जो स्प्लिटिंग होगी, जो डेविएशन होता है कलर का, जो डेविएशन होगा यहाँ पर प्रिज्म में से पास होते हैं, डेविएट हो रहे हैं कलर ये बेटा, है ना, डेविएट हो रहे हैं ना, सीधी थोड़ी चली गई भी डेविएट हो रहे हैं, सो डेविएशन ऑफ एनी कलर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है बेटा, एंड डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डेविएशन ऑफ एनी कलर, जो डेविएशन होगा यहाँ पर बेटा, डेविएशन ऑफ एनी कलर होगा जो यहाँ पर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और वेवलेंथ मैक्सिमम किसकी थी, रेड कलर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, सो इट्स डेविएशन इज मिनिमम, यहाँ पर डेविएशन क्या होगा इसका, मिनिमम होगा, तो यहाँ पर जिसमें मिनिमम डेविएशन दिखाई दिया वो रेड कलर होगा बेटा, बट वायलेट कलर, जो वायलेट कलर है बेटा हैज मिनिमम
वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम होगा तो डेविएशन क्या होगा मैक्सिमम सो इट्स डेविएशन इट्स मैक्सिमम तो जिसमें मैक्सिमम डेविएशन दिखाई दे वो वायलेट कलर का आपको दिखाई देगा बेटा सो इन दिस वे दिस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेंड बट ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि डेविएशन इस पर बेस होता है डेविएशन डिपेंड अपॉन वेवलेंथ बेटा वेवलेंथ ज्यादा होती जाएगी तो डेविएशन कम होता जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो इसलिए तो डेविएट जो रेड कलर की लाइट बीम होती है जल्दी से डेविएट नहीं होगी स्प्लिट अप नहीं होती लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट एनी स्प्लिटिंग विदाउट एनी स्कैटरिंग लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है बेटा है ना तो रेड सिग्नल होते हैं रेड लाइट होती है वो हमेशा रेड लाइट क्यों रेड कलर ही क्यों लेते हैं बेटा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट एनी डेविएशन विदाउट एनी स्प्लिटिंग विदाउट एनी स्कैटरिंग रेड कलर रीच अप टू मैक्सिमम डिस्टेंसेस क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम है और बेटा स्कैटरिंग उसकी क्या होगी मिनिमम होगी डेविएशन उसका क्या होगा मिनिमम होगा ओके बेटा नाउ सो दिस इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम अब सेकंड जो सब टाइप है इसकी एमिशन स्पेक्ट्रम की दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम सेकंड सब टाइप लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रम नेम से पता चल रहा है अब की बार क्या लेंगे लाइन स्पेक्ट्रम में भाई कोई भी अनदर लाइट सोर्स लेंगे हम सोडियम लैंप ले सकते हैं या फिर कोई वोलेटाइल सॉल्ट बंसन बर्नर की फ्लेम में डाल दो वो कलर्ड लाइट प्रोड्यूस करेगा वो कलर्ड लाइट जब प्रिज्म में से पास करेंगे देन दैट कलर्ड लाइट स्प्लिट अप इन डिफरेंट लाइंस डिफरेंट लाइन में स्प्लिट अप हो जाएगी विद सम डार्क स्पेसेस कुछ डार्क स्पेसेस दिखाई देंगे उनके अंदर तो स्पेक्ट्रम डिफरेंट कलर्ड लाइन दिखाई दी बट उनके बीच में डार्क स्पेसेस आपको दिखाई देंगे गैप होगा उनके बीच में डार्क स्पेस होगा उनके बीच में सो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन इज कॉल्ड बेटा लाइन स्पेक्ट्रम इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं सिंपल बिल्कुल तो सेकंड लाइन स्पेक्ट्रम और वी कैन से लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हाउ वी कैन डिफाइन दिस बेटा कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम को बेटा क्या होगा इसके अंदर कि कोई भी लाइट सोर्स है एमिटेड बाय सोडियम लैंप ले लिया मैं अभी बताया था आप लोगों को या फिर बेटा हमने कोई सोल्ट डाल दिया किसी बर्नर के अंदर या फिर हमने किसी गैस के अंदर से करंट पास कर दिया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया उसके अंदर से लाइट प्रोड्यूस हुई उस लाइट को हम प्रिज्म में से पास करें तो बेटा जो डिफरेंट कलर्ड लाइट होती हैं एक पर्टिकुलर टाइप के कलर में डिफरेंट वेवलेंथ होती है यानी कि एक कलर में एक ही वेवलेंथ होती है आप मान लिया येलो कलर है येलो कलर में जरूरी नहीं कि एक ही वेवलेंथ होगी डिफरेंट वेवलेंथ हो सकती है वहां पर ओके बेटा तो जितनी भी वेवलेंथ पॉसिबल होंगी वहां पर वो कलर उतनी लाइंस में डिवाइड हो जाएगा वहां पर अंडरस्टैंड किया पॉइंट तो इसके लिए डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा मैं यहां पर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस लाइन स्पेक्ट्रम बेटा कि व्हेन द लाइट एमिटेड बाय किसे ए वोलेटाइल सॉल्ट कोई वोलेटाइल सॉल्ट हमने रखा है placed in the Bunsen flame Bunsen burner होता बेटा उसकी Bunsen burner की flame में रख दिया हमने और बेटा an electric discharge मीन current passed through a gas electric discharge is passed through a gas at low pressure बेटा low pressure पर किसी भी discharge tube में हमने गैस रखी उसमें से आपने electric current pass किया electric discharge pass कर दिया उसके अंदर से and जो light produce हुई बेटा यहां पर ठीक है दिस लाइट एमिटेड बाय ए वोलेटाइल सॉल्ट प्लेस्ड इन द
फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर, या फिर हम क्या बोल रहे हैं बेटा, और एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास थ्रू ए गैस एट लो प्रेशर, किसी भी वे से जो लाइट प्रोड्यूस होगी, अमिटेड होगी, लाइट अमिटेड इज पास्ड थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म में से पास की एंड ऑब्जर्व्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट एंड ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पर बेटा ऑब्जर्व किया उसको, तो क्या होगा जब फोटोग्राफिक प्लेट पर इस टाइप के लाइट को हम ऑब्जर्व करेंगे, देन व्हाट हैपन, क्या होगा बेटा? बेटा अभी मैं बोल रहा था तो आपको कुछ कलर्ड लाइंस दिखाई देंगे, देन सम कलर्ड लाइंस आर ऑब्टेंड विद सम डार्क स्पेसेस, इस टाइप से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, ओके बेटा। देन सम कलर्ड लाइंस होंगी बेटा आर ऑब्टेंड विद सम डार्क स्पेसेस, विद डार्क स्पेसेस बोल सकते हैं, सम कलर लाइंस आर ऑब्टेंड विद डार्क स्पेसेस, विद डार्क स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में बेटा डार्क स्पेस आपको मिलेगा, ऑब्टेंड विद सम डार्क स्पेस, सम ही कर देते हैं, विद सम डार्क स्पेसेस, कुछ डार्क स्पेस मिलेगा, विद सम डार्क स्पेसेस, ओके बेटा। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड, द स्पेक्ट्रम दस ऑब्टेंड इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, ऐसे स्पेक्ट्रम को बेटा हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। कैसे? देखो सपोज हमने यहां पर भाई ये बंसन बर्नर ले लिया है, दिस इज बंसन बर्नर, और दिस इज बंसन बर्नर बेटा, एंड दिस इज द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर, दिस इज फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर बेटा, वी पुट सम सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट हमने इसके अंदर डाल दिया, सम NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इसके अंदर डाल दिया बेटा, इन द फ्लेम ऑफ दिस बंसन बर्नर, बंसन फ्लेम, बंसन बर्नर, ये बंसन बर्नर है बेटा, इसकी फ्लेम हो गई, देन लाइट इज प्रोड्यूस्ड, लाइट प्रोड्यूस होगी यहां से बेटा, जब NaCl या सोडियम लैंप ले हम, इसके कंबस्शन से बेटा येलो लाइट प्रोड्यूस होती है, कैसे लाइट प्रोड्यूस होगी, येलो लाइट प्रोड्यूस होगी बेटा, येलो लाइट इज प्रोड्यूस्ड, लाइट इज प्रोड्यूस्ड, ये स्लिप लगा दिया आपने बेटा स्पॉन्स, दिस स्लिट का क्या काम है, स्लिट विल प्रोड्यूस फाइन बीम, स्लिट का काम तो फाइन बीम प्रोड्यूस करने का और कोई काम नहीं इसका, ओके। दिस लाइट बीम जो प्रोड्यूस हुई है यहां से येलो लाइट बीम कैसी होगी बेटा, येलो, जो येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस हुई है, येलो कलर बीम प्रोड्यूस हुई बेटा, दिस येलो कलर बीम इज पास थ्रू प्रिज्म, इसको प्रिज्म में से पास किया, दिस इज पास थ्रू प्रिज्म एंड देन ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, और इसको फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व किया बेटा, दिस इज बेटा फोटोग्राफिक प्लेट, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट, ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट बेटा, देन व्हाट हैपन, ये इन दिस वे हमें वी ऑब्टेन दीज टू लाइंस, हमें इस स्पेक्ट्रम के अंदर ये दो लाइन दिखाई देंगे, दीज आर द कलर्ड लाइंस, येलो कलर लाइन है, येलो कलर्ड लाइन है बेटा, ये भी येलो कलर था ना, येलो कलर की लाइन दिखाई देगी, प्रिज्म में से पास किया इसको, ओके फोटोग्राफ प्लेट पर आपको दिखाई देंगे, दीज आर दी येलो कलर्ड स्पॉट दिखाई देंगे, येलो कलर्ड लाइन दिखाई देंगे आपको बेटा यहाँ पर, विद सम डार्क स्पेस, इनके बीच में डार्क स्पेस है, यहां से ये डार्क स्पेस, इनके बीच में डार्क स्पेस है, इन दोनों लाइन के बीच में बेटा, ओके। सो
दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ टेरर इज कॉल्ड बेटा लाइन स्पेक्ट्रम, इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जो ऊपर वाली जो है बेटा आपको जो लाइन दिखाई देगी 5896 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ, जो नीचे वाली इसकी 5890 एंगस्ट्रॉम, टू वेवलेंथ्स की येलो लाइन आपको दिखाई देंगी बेटा इसके अंदर। वन इज एट 5890 एंगस्ट्रॉम, अनदर इज एट 5896 एंगस्ट्रॉम बेटा, टू येलो लाइंस आर ऑब्टेन हियर। ओके बेटा, क्या मिलेंगे इसके अंदर हमें, टू येलो लाइंस आर ऑब्टेन्ड with some dark space के साथ होगा, इनके बीच में dark space होगा बेटा। So this type of spectrum obtained is called बेटा line spectrum, इसको line spectrum बोलेंगे हम। इसी तरह आप hydrogen gas लें किसी discharge tube के अंदर, उसमें से current pass कराएं, light produce होगी, fine beam produce होगी, pass कराएंगे prism से, तो large number of lines are produced in the spectrum, in the line spectrum of hydrogen, okay, with some dark spaces. अगेन दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, स्पेशल टॉपिक आएगा इसमें, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अलग से डिस्कस करेंगे उसको बेटा। ओके, तो वो भी लाइन स्पेक्ट्रम का ही एग्जांपल होगा। नेक्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट इज बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये डिस्कस करेंगे हम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस नाउ। What do you mean by absorption spectrum? Name से चला, absorption mean कोई light source, white light source लेंगे हम, radiations emitted by the white light source is passed through solution of any substance, किसी भी substance के solution से pass करते हैं, या through the vapors of any substance, उसके vapors में से pass करें, तो क्या होगा बेटा, किसी particular color को absorb करेगा वो पर्टिकुलर सब्सटेंस, अपने अपने नेचर है। ओके, किसी पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करेगा व्हाइट लाइट में से, जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है उसने बेटा, वो कलर आपको स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देगा, वहां पर आपको डार्क स्पेस दिखाई देगा। तो इस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, पूरा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम था, अदरवाइज अगर वो उसमें से नहीं पास करते तो स्पेक्ट्रम कैसे आता, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आता, बट जो लाइट उस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली है, जो वेवलेंथ, जिस कलर की वेवलेंथ उस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया बेटा, वो आपको कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देंगे, वहां पर डार्क स्पेस आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सिंपल, अभी मैंने बोला आपको बेटा कि अगर कोई व्हाइट लाइट है फ्रॉम एनी सोर्स, जो प्रोड्यूस है किसी भी लाइट सोर्स ने, पहले किस में से पास करे, थ्रू द सॉल्यूशन और वेपर्स ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस। ओके बेटा, और फिर हम इसको किस पर, स्पेक्ट्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें, तो इन द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम सम डार्क स्पेसेस आर देयर, सो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन इज कॉल्ड दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखो क्या डेफिनेशन बनेगी इसके बेटा, व्हेन व्हाइट लाइट लेंगे हमें यहाँ पर। ओके, when white light from any light source beta, from any light source or produced from any light source, produced by any light source beta, is passed through its first किसमें से, पास्ट थ्रू द सोल्यूशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस उसके सोल्यूशन से पास कर दिया, या फिर मैं आपको बोला था कोई वेपर्स हो सकते हैं, और वेपर्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस ले सकते हैं, और वेपर्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के वेपर ले सकते हैं बेटा, और वेपर्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इसमें से पास किया, हमने व्हाइट लाइट को किसमें से पास किया बेटा, व्हाइट लाइट इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, और वी कैन से वेपर्स ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, इन दोनों में से कुछ भी ले, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, एंड देन एनालाइज बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप बेटा, और फिर अगर हम उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें, ओके, एंड देन
एनालाइज्ड ऑन द और यू कैन से बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप, बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप इज इंस्ट्रूमेंट बेटा मैंने बताया था, ओके। देन सम डार्क स्पेसेस, क्योंकि जो एब्जॉर्ब कर लिया वहां तो डार्क स्पेसेस आने हैं, सम डार्क स्पेसेस और डार्क लाइंस हम बोल सकते हैं बेटा, डार्क स्पेसेस और डार्क लाइन, डार्क लाइन, डार्क स्पेसेस और वी कैन से डार्क लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द अदरवाइज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब नहीं करता तो स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस ही होता, इन द अदरवाइज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ओके बेटा। द स्पेक्ट्रम दस ऑब्टेन्ड, द स्पेक्ट्रम क्यों डार्क डार्क लाइन्स दिखाई देंगे बेटा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के अंदर, तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम होगा द स्पेक्ट्रम दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऐसे स्पेक्ट्रम को बेटा हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये सपोज कोई भी व्हाइट लाइट है बेटा प्रोड्यूस बाय एनी लाइट सोर्स, दिस इज द व्हाइट लाइट प्रोड्यूस बाय एनी लाइट सोर्स बेटा, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस बाय एनी लाइट सोर्स, ये स्लिट बेटा, ये स्लिट लगा दिया आपने, इसमें से हमने पास किया व्हाइट लाइट को, दिस लाइट बीम क्या कहा मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पास थ्रू सोल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस का सोल्यूशन या वेपर्स कोई भी ले लें यहाँ पर हम, सपोज दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, हमने सपोज NaCl का सोल्यूशन ले लिया सपोज येलो जी, और NaCl का मैंने कहा था कि येलो कलर की लाइट हमने सोडियम लैंप या फिर सोडियम क्लोराइड को डाला था बेटा हमने थोड़ी देर पहले बंसन फ्लेम में, है ना, पिछले हमने लाइन स्पेक्ट्रम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में बेटा, तो येलो वेवलेंथ येलो कलर की लाइंस ऑब्टेंड हुई थी, मीन इसका मतलब ये जो NaCl का सोल्यूशन है व्हाइट लाइट में से, व्हाइट लाइट में से कौन से कलर को एब्जॉर्ब करेगा, येलो कलर को, येलो कलर की वेवलेंथ को, इन दोनों वेवलेंथ का एब्जॉर्ब करेगा जो वो वहां पर एमिट कर रहा था बर्न होने के बाद, अंडरस्टैंड किया पॉइंट, ओके। अगर इन दोनों को एब्जॉर्ब करेगा तो येलो रीजन में हमें डार्क लाइन दिखाई देंगी, ये दो डार्क लाइन दिखाई देंगी, इसका मतलब ये वाली दो वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब कर ली है, बाकी आई चीज पूरा पास होगी लाइट यहां से, तो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड इज कॉल्ड बेटा, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे बेटा, दिस, ओके, ये द स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होगा यहां पर, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस इज प्रिज्म, ये प्रिज्म हो गया भाई, दिस आर द डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, डिफरेंट कलर होंगे, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट है ये, तो सेवन कलर्स मैं आपको बता रहा था, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ओके। तो यहाँ पर जो सेवन कलर्स होंगे विद डोर वी आई वी जी वाई ओ आर, इन सेवन कलर्स में से जो येलो रीजन होगा, माने ये मैंने कहूँ वी आई वी जी वाई ओ आर विद डोर ये होगा बेटा, तो ये जो येलो रीजन है, इन दिस येलो रीजन बेटा, इन दिस येलो रीजन बेटा टू डार्क स्पेसेस आर देयर, दो डार्क स्पेस आपको दिखाई देंगे, टू डार्क स्पेसेस आर देयर और टू डार्क lines are obtained in yellow region. Two dark lines are obtained in the yellow region, beta. Yellow region में two dark lines obtained होंगे, beta. यहाँ पर, okay? तो ये जो
डार्क लाइंस ऑब्टेंड होंगी, ये दो डार्क लाइन क्यों प्रोड्यूस हो गई यहाँ पर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पर इस जोन के अंदर, इस रीजन के अंदर ये दो डार्क लाइन क्यों प्रोड्यूस हुई बेटा? दिस इज ये जो डार्क, दो डार्क लाइन प्रोड्यूस हुई, ये दिखा दी मैंने, ओके बेटा। सो दीज टू डार्क लाइन आर ऑब्टेंड ऑन द कॉन्टिन्यूस, बाकी स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस है, एक बार दूसरे के अंदर बिल्कुल मर्ज होकर रखा बेटा यहाँ पर, ओके मर्ज हो रखा बेटा। बट इन दिस येलो रीजन टू डार्क लाइन आर ऑब्टेंड, एक कौन सी 5890 एंगस्ट्रॉम पे, दूसरी 5896 एंगस्ट्रॉम पे, टू डार्क लाइन आर ऑब्टेंड, यहाँ पर डार्क लाइन दिखाई देंगे, इसका मतलब ये दो वेवलेंथ इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली है, स्पेक्ट्रम 10 ऑब्टेंड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस टाइप के स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे बेटा हम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे बेटा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, नाउ आई वांट टू टेल यू बेटा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड ऑल्सो गिव योर कॉमेंट्स, थैंक्स अ लॉट।